गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो डे टू, अभी कल हमने श्रीनगर की टूर की थी, आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग. तो ड्राइवर का इंतज़ार हो रहा है, सुबह के 6 बजे है, तो हम अभी निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए. तो मॉर्निंग टी है, मॉर्निंग टी के साथ अभी 2-3 मिनट में आ जाएगा. तो वी विल स्टार्ट द जर्नी फॉर सोनमर्ग. और निकलने के पहले, बचपन से हमें आदत है कि कॉड लीवर ऑयल हम सुबह रोज खाते हैं. कॉड लीवर ऑयल से ताकत मिलती है, दिन भर एक हुरूर सा पैदा होता है जिससे हमें ताकत, दिन भर फ्रेशनेस मिलता है. बस वो मेरा हमेशा की आदत है, वो मैं ये लूँगा और अभी चाय पी रहा हूँ और तुरंत निकलूँगा. और जैसे ही जाते आते जो जो बीच में मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको डिस्क्राइब करते जाऊँगा. हमारी ट्रिप आज पूरी दिन भर की श्रीनगर टू गुलमर्ग. गुलमर्ग से अगर हो सके तो हम गंडोला जाएंगे, जो केबल कार है. करीबन उसका 850 रुपये फेज़ 1 का है और 2200 से 2700 रुपये फेज़ 2 का है. बुकिंग होती है उसकी ऑनलाइन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी बहुत एडवांस बुकिंग होती है. तो यू हैव टू प्लान इट. मैं तो अनप्लान जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, देखते हैं वहाँ जाके कैसे क्या होता है. यहाँ से गुलमर्ग और रिटर्न मैंने निगोशिएट किया, वैसे तो 4000 रुपये लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने निगोशिएट करके 2200 में मैंने बुक किया है रिटर्न ट्रिप. सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द वे टू गुलमर्ग. थैंक यू. अभी हमने श्रीनगर से होते हुए हम गुलमर्ग आए हैं. श्रीनगर से गुलमर्ग करीबन 62 किलोमीटर्स है, और 62 किलोमीटर हमने, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हम 7 बजे निकले, तो हमने सिर्फ 1 घंटे में वो दूरी पूरी, 1.25 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगा है हमें आने के लिए. ऐसे 2 घंटे का टाइमिंग है, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद लोग ज़्यादा करके पब्लिक निकलती है. हम जल्दी निकल चुके. तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वैली है, यहीं से हम ऊपर आए हैं. पीछे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है, क्लाउड्स है, लेकिन वहाँ से हिमालय पूरा चालू हो रहा है. वो पूरा यहाँ से हिमालय है. आते आते आप अगर देखेंगे तो ये पाइन ट्रीज है सारे, इसको पाइन ट्रीज कहते हैं. और ये पीछे देखिए, ये हिमालय, क्लीन क्लियर कट हिमालय की ये बर्फ की पहाड़ी देखे. इसको ग्लेशियर्स बोलते हैं. दो टाइप के होते हैं, जहाँ पे नहीं का पहाड़ी है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, और ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है. इसमें डीप वैली करीबन 100 फीट तक नीचे जा सकती है, इतना डीप वैली होते हैं, इसको ग्लेशियर्स बोलते हैं. और इसी में एवलेंची भी होते हैं. तो हम यहाँ से अभी आगे जाएंगे गंडोला. गंडोला जो केबल कार है, मतलब गुलमर्ग से, उसको नाम गंडोला कहते हैं, कि गंडोला में फेज़ 1 और फेज़ 2 जिसमें ऊपर तक लेके जाते हैं, इसकी नीदरलैंड्स की जो कंपनी है उन्होंने ये सेटअप किया हुआ है और वो ये चला रहे हैं. करीबन इसका 850 रुपये फेज़ 1 तक है, करीबन 2200 से 2500 रुपये फेज़ 2 तक है रिटर्न का. ये ऑनलाइन करना पड़ता है, पता नहीं अभी मुझे मिलेगा कि नहीं, बट हम कोशिश करने जा रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि जब जा रहे थे तो दोनों बाजू से हरियाली ही हरियाली थी, बहुत सारे पाइन ट्रीज थे, माउंटेंस थे, पूरे ग्लेशियर से भरे हुए थे, एक सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है. और यही जब आप सिटी में घूमते हो तो दोनों बाजू से आपको सीमेंट के घर मिलते हैं, नाला दोनों बाजू में रहती है, झोपड़ियाँ जो कि झोपड़ियाँ मिलती है. तो वो वहाँ का नज़ारा है, वो जो हम रोज़ देखते हैं, और यहाँ का नज़ारा, ये कुछ अलग सौंदर्य. इसीलिए कश्मीर को एक हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है. तो दिस इज़ दिस ब्यूटीफुल कश्मीर, एक सुंदर सा फ्रेशनेस. कहते हैं यहाँ पे जब अगर कोई रहता है तो उसके 10 साल तो फ्रेश ऑक्सीजन से ही बढ़ जाते हैं और फ्रेश एयर से ही बढ़ जाते हैं. तो यही मज़ा है कश्मीर में घूमने का. लीजिए, आप आनंद लीजिए. हम गर्मा गर्म सा मैगी ऑर्डर कर दिया है, मैगी आ चुका है, चाय बाकी है, साथ चाय बनाएंगे और गर्मा गर्म सा मैगी खाएंगे. चीयर्स. जब आप लोग गुलमर्ग में आते हैं तो पुलिस स्टेशन जाइए. पुलिस स्टेशन के सामने आपको 2-3 दुकानें अलग अलग, वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भरना है, उसमें आपका आधार कार्ड लगाना है. क्योंकि अगर गुलमर्ग में आपको घूमना है
तो ये पुलिस परमिशन की बहुत ज़रूरत है, ये मेरे हाथ में पुलिस परमिशन है। जब पुलिस परमिशन होती है तो बहुत जगह पे अपने को एंट्री मिलती है, या वरना जो मिलिट्री वाले वो रुकाते हैं और बोलते हैं कि आप जा नहीं सकते, आपको परमिशन लेके आना है। ये SHO का परमिशन है, ये परमिशन मैं लेके आया हूँ। अभी हम जाएंगे अलग अलग, जहाँ जहाँ हमें घूमना है वहाँ हम घूम सकते हैं। तो अभी हम नागिन वैली करके है, वहीं पे कुछ आगे और दूसरा नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट बताऊँगा। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं और आपको फिर उसके दृश्य दिखाता हूँ। सुना है कि बहुत सुंदर है वो। नागिन वैली का मतलब ये नागिन वैली है, जैसे हम जा रहे हैं तो रास्ता ऐसा 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 आड़ा टेढ़ा होते हुए जाता है। जंगल से ये वाइल्ड लाइफ है, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ है, और वाइल्ड लाइफ से होते हुए ये रास्ता देखो नागिन जैसा है, फिर से मोड़ आया और ये पूरा जंगल है। यहाँ पे आपको भालू मिलेगा, आपको यहाँ चीता मिलेगा, और ये कैंटोनमेंट एरिया मतलब ये पूरा आर्मी के अंडर आता है। यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेके ही अंदर हम ये जंगल से होते हुए हम अभी जा रहे हैं। तो अभी हम बोटा पत्री करके जो है उसके लिए निकले थे, और नागिन वैली से, नागिन वैली का मतलब है कि ऐसे वो रास्ता ऐसे ऐसे जाता है। नागिन 1 करके एक पॉइंट है, नागिन 2 करके पॉइंट है, वैसे देखने को कुछ नहीं, नाम रखा है नागिन 1 नागिन 2, और ये बोटा पत्री है। तो ग्लेशियर्स का पानी पूरा आ रहा है, मैं अभी उसमें हाथ लगा के देखता हूँ, मुझे पता नहीं कि कैसा है, ठंडा है गर्म है, देखते हैं। इससे भी देखा ठंडा है, ग्लेशियर्स का पानी हाथ में लेना भी नहीं, कब मुश्किल से मैंने हाथ में लिया है, और ये बहुत सुंदर फ्रेश आप देख सकते हैं पीने जैसा पानी है। वाह 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 वाह, फ्रेश पानी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है, यहाँ से LOC के लिए आधे घंटे का रास्ता है जो खच्चर लेके जाता है, और वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ आप जा सकते हैं। करीबन 1000 रुपीज़ घोड़ा वाला, 1100-1200 निगोशिएट करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आपको इंडियन टावर और पाकिस्तानी टावर दिखाया जाता है। अभी फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारा कोई और प्लान है। गुलमर्ग में ये गंडोला बोलते हैं इसको, गंडोला मार्केट, गंडोला। यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि केबल कार जाता है जो फेज 1 और फेज 2, जहाँ पे बहुत बर्फ होती है तो लोग वहाँ उसमें जाते हैं। तो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग कम से कम 3 से 4 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, और ये ऑनलाइन है, ये नीदरलैंड की कंपनी चलाती है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है, कोई चांस नहीं यहाँ पे, बहुत ही सिक्योर्ड और सेफ है। और ये आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम को 3:30-4 बजे तक आखिरी ये यहाँ से निकलता है केबल कार। इफ यू कुड सी दैट, यस दिस इज द केबल कार वो जो जा रही है, और यहाँ से कम से वापस से केबल कार कोई आ रहा है, तो कंटिन्यूस केबल कार मूवमेंट तो कंटिन्यूस चल रहा है। सुबह 8 बजे से लेके करीबन 4 बजे तक दिस इज़ द लास्ट वन, एंड देन जल्दी से आपको, क्योंकि शाम को वो रुकते नहीं है, आपको वापस 5:30 बजे तक आना होता है। गंडोला केबल कार, हमारी कोशिश कामयाब हुई। हमने जब रिक्वेस्ट किया तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने मुझे एक स्पेशल टिकट परमिशन दिया था जो कि मैं जा पाया। तो दोस्तों आखिर में हम केबल कार से जा रहे हैं। ये केबल कार नीदरलैंड की है, इन्होंने इंस्टॉल, उसका नाम है पोमा, और ये फेज 1 पे आपको 2.5 किलोमीटर का है, और फेज 2 का 2.5 किलोमीटर का है। करीबन 7 मिनट जाने के लिए आपको लगते हैं फेज 1 में, और फेज 2 में भी 7 मिनट लगते हैं।
अभी करीबन क्या है कि फेज टू में अभी फिलहाल बहुत मौसम खराब है, हम फेज टू जा नहीं पाएंगे, रोक दिया है, तो हम फेज वन में ही जाएंगे और फेज वन में जो होगा हम आपको दिखाएंगे। तो आप अभी बाहर का नजारा देख सकते हो, सुंदर सा नजारा है, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। मौसम थोड़ा सा बारिश हो रही है, बहुत सुंदर है। अभी तो हम जा रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ है, पूरा वाइल्ड लाइफ से यहाँ पे बेयर है, फिर लेपर्ड वगैरह भी घूमते रहते हैं और आर्मी का एरिया है। बहुत सुंदर, मतलब मैं क्या बयान करूँ आपको, इतना सुंदर दिख रहा है और वेरी वेरी नाइस। और गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है मेरे जैसे लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जैसे कि कोई लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको वो चढ़ नहीं सकते। पुराने में जमाने में वो घोड़ा कच्चर से यहाँ से आते थे, लेकिन अभी घोड़ा कच्चर क्या है कि पलट सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट केवल कार से किसी में इजीली हम जा पा रहे हैं, इजीली हम आ पा रहे हैं। कन्वीनियंस उसको बोलते हैं, कन्वीनियंस का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, कन्वीनियंस देके लोगों को बहुत इजीली और सुकून से आराम से आप जा सकते हो। तो मैं जाते जाते आपको कुछ और वीडियोज दिखाऊंगा जहाँ पे हम फेज वन, हम जब केबल कार से उतरे वहाँ से हमने एक खच्चर किया जो आधे घंटे में हमें जहाँ स्नो था, क्योंकि ये जून का मौसम है तो फेज़ वन में थोड़ा कम होता है, तो खच्चर से आधा घंटे चलने के बाद में मुझे बहुत ही स्नो मिला जो कि हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे आपको स्लेजेस मिलते हैं जो 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 1,000 रुपीज़, अलग अलग उसके पॉइंट्स है वो हिसाब से करते हैं, और मैनुअल स्लेजेस भी मिलते हैं, आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। देखिए to